हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस लाइव में आप लोगों को सब लोगों का जो है स्वागत है। सो आज की इस लाइव में मैं आप लोगों को जो है सिर्फ मतलब ज़्यादा अपडेट नहीं देने वाली हूँ, बस छोटा मोटा सा जो भी मुझको मिला है, जो भी मैं हासिल की पाई हूँ, कर पाई हूँ, सो वही देने वाली हूँ। सो इस लाइव के फुल एंड तक बने रहिएगा, ज़्यादा लॉन्ग लाइव नहीं है। सो गाइस, अपडेट स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, सब लोग धीरे धीरे से ज्वाइन हो रहे हैं, सब लोग ज्वाइन हो जाए उसके बाद जो है ना अपडेट स्टार्ट करेंगे। सो जो जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, जल्दी से जाओ, जल्दी से चैट बॉक्स पे जाके जो ना हाई लिख दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये लोग ज्वाइन हुए हैं। सो जल्दी से जाके चैट बॉक्स पे लिख दो जो हम ज्वाइन हो गए, हाई लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो। और जो मतलब अब जो है गाइस, अब अपडेट स्टार्ट करते हैं। सो अब जो फर्स्ट अपडेट मैं ये दे देती हूँ कि राहुल सुधीर और हेलिशा का जो मतलब पोजिशन है, जो मतलब हम लोग का जो इंटरनेशनल एकेडमिक अवार्ड्स, हम लोग यूट्यूब पर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी हम लोग वोट कर रहे हैं। सो अब हमारे राहुल से और हेलिशा का कितना वोट जा रहा है, मतलब ठीक ठाक जा रहा है या नहीं, फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। सो गाइस, मैं आप लोग बता दूँ, जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, वोट सिलेक्ट हो रहा है। सो राहुल सिद्धि हेलिशा का वैसा नहीं हो रहा है, बस और बस जोड़ी के ही, जो जोड़ी का जो वोट होता है उसी पर ही ऐसा हो रहा है, और किसी पर जो है ना नहीं हो रहा है। सो अब जो है हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस जोड़ी पे ही करवा रहे हैं। और आदित्या खुराना के पास जो है ये बात पहुँच चुकी है, उसने जो है वार्निंग दे चुके हैं वो। सो अब हम लोग जो है ना इसमें कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने जो है वार्निंग दे चुके हैं वो, सब लोग को जो है ना वार्निंग दे चुके हैं। जो मतलब जो भी जोड़ी के फैंस अगर कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उनके जोड़ी को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो कोई भी जोड़ी के फैंस ऐसा करेगा नहीं जानबूझ के, और वानी जोड़ी की बात आती है। सो वो जोड़ी हमेशा से ही पॉपुलर रहा है, और हमारी रियांश सारा इतना पॉपुलर तो इतना जल्दी नहीं हुआ है। और रियांश और वानी के बीच में अगर कंपेयर किया जाए, अगर दोनों को कुछ एक किया जाए, तो वानी जोड़ी का पहले से ही एक म्यूज़िक एल्बम आया हुआ है। और अगर म्यूज़िक एल्बम की बात आए, सो म्यूज़िक एल्बम वानी जोड़ी का आ सकता है। और रियांश का जो है थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा सा ही रियांश को जो है ये कहता है कि रियांश का आ सकता है, थोड़ा सा ही आ सकता है, मतलब थोड़ा सा परसेंट जो है, मतलब 50% जो है रियांश को नहीं जा रहा है, 80% जो है जा रहा है वानी जोड़ी को, कि उस वो जीत सके और उसका जो है म्यूज़िक एल्बम फिर से आ सके। क्योंकि उसका जो है पहले भी एक म्यूज़िक एल्बम आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, बेपनाह प्यार बहुत पहले से आ चुका है। सो हमारे रियांश का तो पहले बार म्यूज़िक एल्बम आएगा, और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते और कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि कोई अपडेट नहीं आएगा तो कैसे कह देंगे, हम लोग ऐसे ही झूठ बात बोल देंगे। सो गाइस, अब जो है रियांश जोड़ी को कितना वोट जा रहा है, मतलब वोट्स क्या फिर से क्या डिलीटिंग होने स्टार्ट हो चुका है, या फिर कुछ फैंस ने अपना जो बदतमीजी कर रहे थे, तो मतलब रियांश जोड़ी के साथ सिर्फ और सिर्फ रियांश जोड़ी के ही वोट्स जा रहे हैं और किसी के नहीं जा रहे। सो चलो गाइस, अब जो है उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। सो यूट्यूब पे जो है मैं यूट्यूब पे आप लोग इश्क में मजाओं को, मतलब इसमें जो है 7-2, मतलब कोई भी शो को और कोई भी जोड़ी को आप लोग वोट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस के ही थोड़ा सा जो है वीडियो बनाया है, मतलब डाला हुआ है, और आप लोग जो है नहीं वोट कर सकते हो यूट्यूब पे रियांश या फिर कोई भी जोड़ी को, कोई भी शो को, चाहे उसमें जाएँ क्यों ना हो, यूट्यूब पे ये जो है कुछ नहीं किया हुआ है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ जो है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स वालों के ही ऊपर डिपेंड करता है। सो चलो और एक अपडेट स्टार्ट कर लेते हैं। सो इंस्टाग्राम पे जो वोट कर रहे हैं, वोट के डिलेट हो रहा है। सो यूट्यूब पे जो इतना वोट किया जा रहा है, आप लोग जो है वहाँ पर चेक कर सकते हो आपका कमेंट ऐड हुआ है या नहीं। सो इंस्टाग्राम पे ये ऑप्शन है या नहीं ये मुझको पता नहीं, बट यूट्यूब पे ये ऑप्शन है। आप लोग वहाँ पर जब कमेंट करोगे, ऐड ए पब्लिक कमेंट लिखेगा, उसके बाद वहाँ मतलब दिखेगा एक लिखा हुआ रहेगा, सो उसके ऊपर जो है यहाँ पर तीन एक जो है लाइन रहेगा छोटा छोटा सा, तो उसी पर क्लिक करना, फिर वहाँ पर जो है ना वहाँ पर नेक्स्ट वहाँ पर जो है दिखा रहेगा, वहाँ पर मैंने आप लोगों को कल ही भी बताया था। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, बस हो गया, वहीं पर आपको जो है दिखाया जाएगा, वहीं पर आएगा आप लोगों को। सो वहीं पर क्लिक कर देना, फिर जो है आप लोगों को न्यूएस्ट नेक्स्ट अगर आप लोग क्लिक करोगे उस पर जो है फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आपका कमेंट ऐड हुआ है या नहीं। सो कल मैंने जो है कमेंट करके ऐड करके देख लिया कि मेरा कमेंट ऐड हुआ है या नहीं। सो ये इंस्टाग्राम पे ये जो है ये ऑप्शन नहीं रहता है। सो अब जो है रियांश मतलब रियांश की जोड़ी की जीतने की बात आती है। सो जो है म्यूज़िक एल्बम की अगर बात आती है, सो रियांश को जो है 20% तक जो है ज़्यादा वोट जा रहे हैं, बट वोट जितना भी जाए, जिसको जो
जीतने वाला रहेगा वही जीतेगा, मतलब वोट जिसका ज़्यादा आएगा वही जीतेगा। सारे जोड़ी को, कायरा जोड़ी को भी वोट जा रहा है। कायरा जोड़ी जो है अभी तक टेलीविजन पे बरकरार है, मतलब रनिंग पे है, कंटिन्यू चल रहा है उसका शो, जो ये रिश्ता क्या कहलाता शो है, सो वो जो है अभी कंटिन्यू 12 साल से चल रहा है वो शो, तो आप लोग देख सकते हैं ना 12 साल से जो है शो चल रहा है। तो शो की जोड़ी जो है मतलब टीआरपी अच्छी है, बट कितने फैंस है, फैंस क्या बढ़ रहा है, फैंस तो वैसे के वैसे ही है, जितना फैंस है उतना ही वोट करेंगे, ज़्यादा थोड़ी ना वोट कर पाएंगे। तो मैं इश्क में जाऊँगा और यहाँ शाहिर राहुल हलीशा का जितना फ़ैन है वो लोग ही वोट करेंगे, तो राहुल सिद्दीकी के जो जो फैंस है वो लोग राहुल सिद्दीकी को वोट करेंगे, ना कि इश्क में मर जाऊँ और हलीशा, वो लोग क्यों करेंगे, क्योंकि वो लोग राहुल सिद्दीकी के फैंस है। मैं तो सारे के सारे सबके फैंस हूँ, बट मैं राहुल सिद्दीकी, हलीशा और यांश और इश्क में को ही वोट करूंगी, सारे के सारे क्या सबको क्या वोट करती रहूंगी। सो वैसे ही रियांश फैंस को भी ऐसा करना होगा, हमारे रियांश को वोट करना होगा और किसी जोड़ी को और किसी एक्टर एक्ट्रेस को अगर करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अगर वोट पा जाएंगे तो हमारा हलीशा और राहुल सिद्दीकी का म्यूजिक एल्बम भी नहीं आएगा और इसमें जो 3 वही रियांश भी नहीं आएगा। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम लोग के थोड़ी ना कुछ बस में है जो हम लोग कह देंगे हो जाएगा। सो और जो जहाँ सीज़न 3 के रिलेटेड बात आती है, जो एक शो को मतलब हम लोग कह देंगे जो इश्क में बजाओ, अभी गाइस मैं अभी बोल रही हूँ, सो जैसे कोई जैसा बोलेगा कोई अपडेट चैनल वाला कि गाइस इश्क में बजाओ जो है मतलब आज से 2 महीने बाद आने वाला है, सो कह देना बहुत ही आसान सा सवाल, मतलब एक चीज़ है, कह दिया जो गाइस इश्क में बजाओ आने वाला है, रियाज़ का म्यूजिक एल्बम सॉन्ग आने वाला है 2 महीने बाद, बट सच में क्या ऐसा होगा, सो डेट भी चेंज हो सकती है। कहना बहुत आसान है बट करना बहुत ही मुश्किल, एक शो को लाने के लिए एक राइटर होना चाहिए, एक मेकर अच्छे से एक मेकर होना चाहिए, एक डायरेक्टर होना चाहिए, एक एडिटिंग वाला होना चाहिए, एक जो है मतलब सब कुछ प्रोड्यूसर होना चाहिए, इतना सब कुछ लगता है, और एक्टर एक्ट्रेस ढूंढने पड़ते हैं, कास्ट करने पड़ते हैं सब जो है। आप लोग को और एक अपडेट दे देती हूँ, इसमें मैं जाऊँ कि सेम कास्ट क्रिएटेड और स्टोरी क्रिएटर जो है मैं मेरे अगले वीडियो पर अगर कोशिश करूँगी तो दे दूँगी, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होते जा रहा है। सो इसमें मैं जाऊँ सीज़न 3 के सेम कास्ट होने की जो बात आती है, खलीदा जान, जैनबाद खान, मीनाक्षी शेट्टी, उसके बाद जो है असली चन्नी को तो कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिला है, मनोजी वशिष्ठ को भी कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिला है। सो ये जो है तीन मतलब 3 लोग ही हुए, सो मीनाक्षी शेट्टी, जैनबाद खान, उसके बाद जो मतलब और विशाल वशिष्ठ को भी मिल चुका है, तो 4 लोग हुए मिला के, तो 4 लोग को जो है न्यू प्रोजेक्ट मिल चुका है, असली चन्नी और निकिता तिवारी और मनोजी वशिष्ठ की बात है, वो लोग को तो अभी का भी मिल जाएगा, बट वो लोग जो है ऑफर को उतना एक्सेप्ट नहीं करते। सो वो सेम कास्ट कैसे हो गया, और जो कंटिन्यू कास्ट की बात आती है, तो कोई अगर फ्री होगा, मतलब कोई अगर कोई काम नहीं कर रहा होगा, मतलब कोई शूट ये वो, कोई एडवर्टाइज शो, मीनाक्षी का एक शो हो चुका है, खलीदा जान का एक शो हो चुका है, विशाल वशिष्ठ का एक वेब सीरीज मिल चुका है उनको, उसके बाद जो है जैनबाद खान को भी एक शो मिल चुका है, खलीदा जान को भी एक शो मिल चुका है। सो आपका कंटिन्यू जो कास्ट है वो कैसे, अगर कोई फ्री रहेगा सो जो है ममता मैम उसको कास्ट कर सकती है, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो करती है या नहीं, सो उसके ऊपर ही जो है सब कुछ डिपेंड करता है, वो राहुल जी हलीशा को रख भी सकती है नहीं, और राहुल जी हलीशा की बात आती है, हलीशा भी एडवर्टाइज पे ज़्यादा और अभी जो है वो लाडाख पे है, मतलब अभी अगर अपडेट लेटेस्ट अपडेट्स की मानी जाए तो वो अभी लाडाख पे और वो अभी अपने फ़ोटोशूट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और राहुल सिंह की बात आती है वो अभी देहरादून पे है, उन्होंने खुद ही इंटरव्यू पे बताया था कि मैं अभी देहरादून पे हूँ, और वो जब फ्री हो जाए, मतलब अभी वो देहरादून पे ऐसे नॉर्मली है, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब कुछ ऐड वगैरह कुछ शूट नहीं कर रहे, सो अगर वो फ्री मतलब अगर उनको अच्छा लगे सो वो मुंबई जाके कोई ना कोई प्रोजेक्ट को जो है साइन करने की कोशिश करेंगे, बट उनको कोई प्रोजेक्ट मतलब मिल ही नहीं रहा है, मतलब ऑफर नहीं दिया जाए तो वो कैसे करें। और हलीशा की बात आती है, हलीशा जो अभी मतलब ज़्यादा वो करने की कोशिश नहीं कर रही है। सो गाइस ये वीडियो जो है एक मतलब एंटरटेनमेंट टाइप की लाइव था, तो इसको मैं कैसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ आप लोग ही बताइए, तो इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं रहेगा। सो आई होप यू लाइक दिस लाइव देन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस अपडेट मिलेगा मिलती हूँ तब तक लीजिए इस चैनल पे। सो इस लाइव में आप लोग इंजॉय किए होंगे, सो आप जो है कोई भी अपडेट मिलेगा, और मैंने जो कहा कि स्टोरी मतलब स्टोरी सेम होगी नहीं होगी, यानी एक ही वीडियो में इतना सारा तो बताना मतलब इतना सारा हम लोग बता भी नहीं सकते,
सकते, एक ही वीडियो में क्या सब बता देंगे, तो अगला वीडियो क्या बनाएंगे। सो आप लोग को आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इस वीडियो को जो एक लाइक कर देना है, चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना। सो ये वीडियो जो है ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस थोड़ा सा जो भी मैं सकी उतना ही अपडेट, मैं जितना ढूंढ पाई उतना ही दी। सो आप लोग जो है मतलब आप लोग जो है मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सो वो वीडियो जो है कोई ना कोई किसी के रिलेटेड होगी। सो गाइस एक अपडेट मिलेगा। सो आप लोगों के साथ जो है मैं अगले मेरे लाइव जो भी होगा मेरा लाइव, सो उसमें जो है मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस लाइव। सो गाइस इस लाइव का यहीं पर ही जो है एंड होता है। मेरे अगले लाइव का इंतज़ार कीजिए, चाहे उसमें कोई ना कोई न्यू अपडेट हो। सो इस लाइव को यहीं पर ही एंड करती हूँ, मैं ख़त्म करती हूँ।